अगर बीजेपी की बातें ना मानी तो हो सकता है जेल, कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा। ईडी की ओर से चल रही ताबड़तोड़ कार्यवाही पर इंडिया गठबंधन में खलबली मची हुई है। एक तरफ जहां ईडी की ओर से लालू यादव व तेजस्वी यादव से पूछताछ चल रही थी, वहीं इस बीच अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी ने कार्यवाही की, उन्हें सजा दी गई है, जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को भी लगातार ईडी समन भेज रही है। मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भाजपा की सरकार को जो भी पार्टी समर्थन नहीं करेगी उन पर कार्यवाही करवाएंगे। उनका मानना है कि विपक्ष का जो भी नेता हो, मुख्यमंत्री हो, सब उनका साथ दीजिए, साथ नहीं देंगे तो ईडी सीबीआई आईटी से छापेमारी करवा कर जेल भेज देंगे। दुर्भाग्य है हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेज दिया गया, वो अच्छा काम कर रहे थे, भाजपा का साथ नहीं दिया तो कार्यवाही करवा दिया। ये अंग्रेजों और हिटलर का जमाना, जो हमारा साथ नहीं दोगे उसको जेल भेज देंगे, ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता 2024 में मोदी सरकार को गद्दी से उतार देगी। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है, अभी जो उनको सपोर्ट नहीं करेगी, उनका ये मानना है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का, जो भी कहीं भी राज्य में जो भी मुख्यमंत्री हो, जो भी नेता हो विपक्ष का, सब उनको साथ दीजिए, अगर आप साथ नहीं देंगे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से आपको रेड करा के आपको सलाखों के पीछे जेल में भेजेंगे। और ये झारखंड में बोलिए, हेमंत सोरेन जी अच्छा काम कर रहे थे झारखंड के लिए, आप देखे होंगे, उनको साथ नहीं दिया, मतलब उनको है कि उनको साथ दीजिए और उनको देखिए ईडी से पकड़ जेल भेज दिया। आज एक मुख्यमंत्री जेल में है, इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए और राज्य के लिए कुछ नहीं हो सकता। जनता उनको माफ नहीं करेगी नरेंद्र मोदी जी को। कई नेताओं पर ईडी की रेड चल रही है, लालू यादव तरफ भी और केजरीवाल को भी लगातार नोटिस। सर मैं यही कह रहा हूँ, उनको जो साथ नहीं देगा नरेंद्र मोदी जी को किसी भी राज्य में, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का रेड कराएंगे और उनको जेल के सलाखों के पीछे काम करेंगे। ये वही जमाना हो गया, अंग्रेजों का जमाना, हिटलर का जमाना, कि जो हमारा साथ नहीं दोगे उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। यह लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की हत्या कर रहे हैं, देश की जनता सब देख रही है। और आपको बता दें 2024 में जनता उनको गद्दी से, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को गद्दी से उखाड़ फेंकेगी।